जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है, एक बात तो आपने सुना होगा, है ना, केमिस्ट्री जो है बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को रटो सुबह को सफा है। तो ये वाला कहावत जो है मेरे दोस्त, 2 साल से ये मेरे पास एक न्यूज़पेपर का कटिंग अभी भी रखा हुआ है, ये पिछले साल का था, है ना। पिछले साल भी यही हाल रहा केमिस्ट्री में। 12वीं बोर्ड के पर्चे में सीबीएसई पैटर्न के प्रश्नों से परेशान रहे परीक्षार्थी। ठीक है, पिछले साल रहे, लेकिन इस साल बच्चों को लगा, या बहुत सारे जो हमारे टीचर साथी हैं उनको लगा कि हो सकता है 1 साल किसी कारणवश से, जो भी कारण होगा, लेकिन इस साल वही पैटर्न में केमिस्ट्री का एग्जाम पूछेगा। लेकिन हाल तो इस बार भी वही रहा, बच्चों को बहुत परेशान किया। ठीक है, और बच्चे ने तो ये भी बोला कि ये वाकई में जो लेवल था बहुत हाई था। अगर एक टीचर से भी मैं बात करूं, किसी टीचर से, मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूं, कोई दूसरे टीचर से मैं बात करूं, तो उन्होंने भी ये बोला कि ये स्टूडेंट के लेवल का प्रश्न नहीं है, है ना। मेरे ख्याल से तो ये कॉलेज लेवल पे, अगर ग्रेजुएट लेवल पे भी अपन जाते हैं, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं पूछते जितने कि 12वीं बोर्ड में पूछे गए हैं। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर अपन बहुत सारे जो हमारे टीचर साथी हैं उन्होंने कवरेज भी किया है, और वो कवरेज में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये केमिस्ट्री का 2024 का, ये 24 का सेट ए है। सेट ए की बात करूं, बी की बात करूं, सी की, है ना। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में कि आपका कौन सा सेट था और कैसा बना आपका पेपर। क्या आप इस तरीके का पैटर्न को, ये क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं आप जो स्टूडेंट है, या और हमारे टीचर साथी क्या एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि साल भर सीजी बोर्ड ने, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, ये बोल रहा है कि प्रादर्श प्रश्न पत्र निकाला, या जिला लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक निकाले, क्यों उससे मैच नहीं कर रहे? या तो फिर मत ही निकालिए, है ना। क्वेश्चन बैंक से भी मैच नहीं करता, आप स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। सीधी सी बात, एक पैटर्न देखिए, स्टूडेंट को इस बार भी गुमराह किया गया कि इस लेवल का आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो किसी आपके प्रश्न बैंक में, या आदर्श प्रश्न पत्र, प्रादर्श प्रश्न पत्र किसी सेट में नहीं था। यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा मंडल अभी भी अपलोड है, मैंने cgbsc.nic.in में जो क्वेश्चन पेपर अपलोड है वहां भी अगर जाकर देखूं ना, तो ये लेवल का प्रश्न पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या ये स्टूडेंट के भविष्य के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ हो रही है? क्या सही मायनों पे ये पेपर जो आया है स्टूडेंट के लिए क्या सही था? कमेंट करके जरूर बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए हैं, सेट ए वाले कौन कौन हैं, इतना गंदा पेपर हुआ आज का, है ना, सेट ए कठिन ही आया है बोल रहे हैं ना। अब देखिए भाई, बच्चे हैं, है ना, फिजिक्स में पेपर हुआ इससे पहले, वो तो बच्चे कभी नहीं बोले फिजिक्स पेपर कठिन है, लेकिन केमिस्ट्री में कठिन होगा तभी तो बोल रहे हैं ना। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस ओर ध्यान दे, और जो पेपर सेट कर रहे हैं, मैं कड़ी वर्ड का यूज नहीं करूंगा, चाहे तो हम कड़ा वर्ड का यूज कर सकते हैं। आपसे कभी मिलने आए ना माध्यमिक शिक्षा मंडल से, हम अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो अधिकारी है ना वहाँ एसी में बैठ के क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें नहीं पता। आपसे तो मिलने तक में चप्पल गिर जाता है। और हमारे बच्चे, मैं तो यही चाहूंगा कि अधिक से अधिक ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ये वीडियो है वहां तक पहुंचे, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों तक पहुंचे, एक जो लेवल है उसको पहले से बता दे। बच्चे हमारे एक से टैलेंटेड है, हमें पता है ना, उनको गुमराह ना किया जाए। वो जो पैटर्न देते हैं उसमें गुमराह हो गए, फिर मेन फाइनल एग्जाम में कुछ और आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए फिर से एक भाई साहब ने, बहुत घटिया गया भाई, हमारे स्कूल में 29 नंबर का सिलेबस हुआ भी नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसा कौन कौन है जैसे पासिंग मार्क्स नंबर के लाए भी पेपर नहीं बनाए? देखिए 16 लोगों ने लाइक किया है इनके कमेंट को, ऐसे बच्चे हैं ना। सेट सी में तो आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक, मैं मानता हूँ। हाँ, कई क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे कि चलिए एनसीईआरटी फॉलो करते, ये भी बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल, चलिए मैं भी एनसीईआरटी बुक निकाल के बैठता हूँ, जिस, अब मैं कड़ी वर्ड का यूज तो नहीं करूंगा यहाँ पर, जिसने भी, जिस टीचर ने भी वो सेट किया एनसीईआरटी में, मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा वो खोज के दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि आप एक गवर्नमेंट टीचर है और आपको उस रहने लायक गवर्नमेंट ने बनाया है, आप काबिल हैं कि नहीं, वो मैं तुरंत क्वेश्चन जो निकालूंगा उसमें आपको साबित कर सकता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है नहीं। चलिए, सी बहुत हार्ड था, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ सबका ये एग्जाम बेकार गया। देखिए भाई, ये कोई फेकोलॉजी बात नहीं चल रही है, सही बोल रहे हैं, सबका एग्जाम बेकार गया, स्टूडेंट के लेवल का था ही नहीं। पिछले साल भी यही, मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल से एक ही गुजारिश करूंगा, अभी तो हमारे गुजारिश कर रहे हैं, एक समय आएगा हमारे बच्चे और हमारा ये जो चैनल एक हाई लेवल पे पहुंच जाएगा ना,
तो हम सीधा वहां घुसेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल के। अगर आपको इस पैटर्न में देना है तो बच्चों को पहले से गुमराह मत कीजिए, सीधी सी बात है, बच्चों को गुमराह करना ही नहीं है। आप जो पैटर्न दे देते हैं साल भर से इसको पढ़ लीजिए और लास्ट में आप कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर देखते हैं बोनस नंबर कितना मिलेगा। बोनस नंबर से कुछ नहीं होता है भाई, जैसे बोनस नंबर मिल रहे, अगर 5 नंबर बोनस दे दिया तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का 1% बनता है, 1% से क्या उखाड़ लेंगे कोई बच्चे, है ना। बोनस नंबर की यहाँ बात नहीं होती, जिस पैटर्न में क्वेश्चन बोला गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल वही पैटर्न में दे, प्रादर्श प्रश्न पत्र देकर गुमराह ना करें माध्यमिक शिक्षा मंडल। और आपकी जो वेबसाइट पे अपलोड है ना उसको तो आप डिलीट ही कर दीजिए, क्योंकि आप बच्चों को उसमें और गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को क्या टीचरों को भी आप गुमराह किए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, सेट ए वाले अटेंडेंस करो, मैं तो फेल हो गया है। देखो भाई बच्चों के भविष्य के साथ लगातार लगातार खिलवाड़ हो रहे हैं, एक पेपर कभी अगर बिगड़ता है ना तो उसके पीछे उनकी पूरे साल भर की मेहनत, पूरे 12वीं बोर्ड की मेहनत खराब जाएगी एक पेपर के चक्कर में। चलिए रिजल्ट कब तक आएगा भाई को, रिजल्ट का पढ़ा है। सेट बी बेकार आया था, तीनों सेट बेकार। चलिए सेट बी के साथ साथ ये भाई साहब तीनों सेट बेकार बोल रहे हैं, उस माध्यमिक शिक्षा मंडल के उस कौन से टीचर हैं उनको मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज कि आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, मैं मुझे पता है एनसीईआरटी में अगर वो क्वेश्चन निकाल के दिखा दिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप अभ्यास प्रश्न में निकालें चाहे चैप्टर के बीच से निकालें, आप अगर एनसीईआरटी में निकाल दिए तो मैं वाकई में मान जाऊंगा कि आप वहाँ गवर्नमेंट टीचर में रहने लायक हैं, और नहीं निकाल पाए तो आपको इस्तीफा देना होगा, है ना। यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जो भी सेट किया अधिक से अधिक शेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहुंचना चाहिए वीडियो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ और रहूंगा, देखते हैं कि इसमें कितना है दम, ठीक है। चलिए तो और ज्यादा चर्चा नहीं करते, इसमें भारी सारे कमेंट मिल जाएंगे, है ना। तो अपन फिर से वही चीज पे अपन आ जाते हैं, यही जो रहा है ना, इसमें भी पिछले साल का जो पेपर रहा उसमें भी यही बोला गया था, है ना, कि बहुत उलझे यहाँ स्टूडेंट के साथ साथ टीचर, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, हमेशा आपके सपोर्ट में मैं खड़े रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।